इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ प्लेयर्स को पैसे नहीं देता, एक परसेंटेज क्रिकेट बोर्ड को भी मिलती है। तो आईपीएल जो ये कहते जी इंडिया ने डोमिनेट किया, आईसीसी को नहीं करने दिया, ऑस्ट्रेलिया को नहीं करने दिया, वही आईपीएल पे शोज कर रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जितने ओवरसीज आए कोई गया वापस? यहाँ पे तो डैनियल क्रिस्टन ने अगले दिन ही कह दिया मुझे भेजो वापस। दो बंदे पॉजिटिव आए तो ये ऐसी हरकतें उधर नहीं करते, यहाँ पर बहुत खुल खुला के ऐसी हरकतें करते। जब पहली आईपीएल हुई थी राजस्थान रॉयल्स में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे दो तीन, हाँ। तो पहले शेन वॉन ने कोई बातचीत की, तो जब ललित मोदी ने कहा कि ठीक है जो जानना चाहता चला जाए, तो शेन वॉन टॉस करने आ गए और मैच भी हुआ। क्या इंडिया क्रिकेट बोर्ड अलाउ करेगा अपने प्लेयर्स को किसी और लीग के लिए? वो तो वैसे ही अलाउ नहीं करते छुट्टी में भी। पूरी दुनिया क्रिकेट के प्लेटफॉर्म की वजह से समझ रही है कि पाकिस्तान में टेररिज्म शायद दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम 18 साल के बाद आकर बगैर खेले वापस जा रही है। कोई तो जवाब दे यार, कोई तो जवाब दे पाकिस्तान की। ये उसका हिस्सा है आईसीसी, नहीं डोमेस्टिक है ये, तो कहां पे हिस्सा हो गया? सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ दोनों से, भाई पांच प्लेयर चले गए ना, आपने कहा आईपीएल हिस्सा देती है, यही जवाब सवाल कम से कम वो जी बोर्ड को हिस्सा देती है, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? यानी कि आपने जो बात की इसको मैं आगे लेके चलूं ना, यानी कि हिस्सा दे के कहीं भी ले जाऊं प्लेयर्स को, वो तो किसी भी मुल्क के हों, वो तो यही हो रहा है ना, हेगमनी है ना, हो रहा है, सारे बोर्ड फॉलो कर रहे हैं यार, तो इक्वली ट्रीट एक दूसरे को नहीं कर पाते ये लोग, है ना? ऐसे ही इवन टीम के अंदर भी कोई ऐसा बंदा है जो इक्वली ट्रीट करे हर एक को? नहीं होगा, नहीं, अलग अलग दिमाग है बहुत कम। हम क्यों कोशिश करते हैं कि इक्वली ट्रीट करें अपनी टीम के अंदर? हाँ सही कह रहे हैं, यू हैव अ पॉइंट। सवाल है मेरा, सही कह रहे हैं, ये जवाब नहीं है, नहीं, हमारा ये आप डॉक्टर हैं, दिमाग के भी हैं, वैसे भी हैं, किसी ने आवाज उठाई? नहीं। हमारे नेशनल मीडिया ने आवाज उठाई? नहीं। तो क्या हो रहा है? गाड़ी में रखा है पीछे काला हरी मिर्चों का, सब्ज वाली भी है लाल वाली भी है, पहले कौन सी भेजू उन्हें? और जिनको तकलीफ हो रही है आईपीएल से जल्दी दोबारा तिबारा। अच्छा मजे की गाल है, यानी उर्दू में बताता हूँ जी, बताइए, जो आईपीएल के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जी इंडिया ने डोमिनेट किया, आईसीसी को नहीं करने दिया, ऑस्ट्रेलिया को नहीं करने दिया, वही आईपीएल पे शोज कर रहे हैं। और अंगूर खट्टे ने थलो बह के ना छाला मार देने, अंगूर हाथ में नहीं आते। ओ भाई बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप समझते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग नहीं है, आप समझते हैं इसमें बॉलिंग कमजोर है, आप कहते हैं इसमें बैटिंग कमजोर है, मुझे पूरी दुनिया में आप बता दें, बिग बैश से लेके और पीएसएल तक, और पीएसएल से लेके काउंटी क्रिकेट तक, काउंटी क्रिकेट से लेके अफगान सीपीएल, अपना साउथ अफ्रीका की, श्रीलंका की, बांग्लादेश, किस लीग में इतने बड़े स्टार्स होते हैं? कौन सा ऐसा बॉलर है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो इस लीग में मिसिंग है? मुझे एक नाम बता दें भाई। कमर्शियल लीग इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग विकेट्स और स्कोरिंग रन्स। भाई इसमें तो बॉलर्स को कुट भी पड़ती है, बैट्समैन स्कोर भी करता है। देखें जितना बड़ा टैलेंट ऑन ऑफर है इस वक्त, सभी साहब आपने तो पीएसएल के अभी पांचवें एडिशन देखे हैं, चले चार तो बिल्कुल सही तरह देखे हैं, आपने तो बड़ी तारीफों के दोनों ने पुल बांधे थे, इस दफा जनाब बेहतरीन कमेंटेटर्स हैं, बेहतरीन इस दफा कैमरामैन ही होगी। आप मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता दें, लाइव मैच हो रहा होता है या लग रहा है स्लो मोशन हो रही है? तस्वीर आ रही है रिजवान की, नाम चल रहा है मेरा, स्कोर चल रहा है आपका, कर रहा है रिजवान, एक दिन देखें, ठहरे लेट मी फिनिश, एक दिन गलती हो सकती है, दो दिन में चले में गलती, रोज ही गलतान हो रहा है, ये विकेट्स है, ये कमेंटेटर्स का मेयार है, मतलब है साजे माजे गाजे आपने बढ़ा। उर्दू और इंग्लिश कमेंट्री जो है ना सभी साहब, इट्स एन आर्ट भाई। मैं पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता आया, देखता आया, पूरी जिंदगी हमारी जर्नलिज्म में गुजर गई, मेरे वालिद साहब जर्नलिस्ट है, मेरा भाई जर्नलिस्ट है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये क्राइटेरिया है कि जो जर्नलिस्ट होगा वो कमेंटेटर भी होगा, वो टेस्ट क्रिकेटर भी होगा, वो वनडे भी खेलेगा, या जो ये सर आप देख लें क्रिकेट का मैार कितना बुरी तरह गिर गया है, कितना मैार गिर गया है, कहाँ है टैलेंट? 50-50 साल के बाबे स्कोर 25-25 कैद मुंह से गिर रहे हैं सभी साहब, ऐसे क्रिकेट नहीं हो। देखो ये मानो, और क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट, अच्छा या तो फिर आप बाइकॉट कर देना, आप कहें जी कि हमने इंडियन प्रीमियर लीग को बिल्कुल जो है ना वो नहीं बोलना इस पे। हर नथू खैरा सत्थू खैरा जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, पत्थर उठाओ तो चार जर्नलिस्ट निकल आते हैं, वो सारे इंडियन प्रीमियर लीग पे बात करते हैं, तो किस मुंह से आप जो है इसके बारे में बात कर? भाई देखें हम शुरू से उठा के देख लें, आज से नहीं शुरू से हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स कवर अब हो ही, अगर इंडियन प्रीमियर लीग रही है तो मुझे बताएं क्या मैं गली मोहल्ला क्रिकेट की बात करूं, या मैं हॉकी के ऊपर शुरू हो जाऊं, या मैं टेनिस, हो ही इस वक्त क्रिकेट में सबसे बड़ा मेला सजा है जिसका नाम है आईपीएल। क्रेडिट दें यार, कोविड इंडिया और इंग्लैंड में ना पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, उधर जाते हैं तो पूरा खेलते हैं,
पाकिस्तान में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, मेलबर्न में कर्फ्यू लगा हुआ था, उधर जाते हैं तो सारे पूरा खेलते हैं आपस, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही सबको कुछ होता है। आप अंदाजा लगाए ना कि पाकिस्तान का टूर चल रहा है, इंग्लैंड में टेस्ट हो रहा है, और उसी टेस्ट के दौरान इंग्लैंड इंटरनेशनल वनडे भी खेल रही है दूसरी तरफ। कभी हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में? वो हमारे साथ सीरियस नहीं है, और अगर चले वो नहीं है हमें बुरा तो लगता है। वो रमीज राजा हो, इमरान खान हो, या कोई भी हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस कदर यतीम है ये कौम पाकिस्तान की क्रिकेट से वालियाना मोहब्बत करने वाली कि अपने सरबराहान के मुंह से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 घंटे से बैठकर कि मामला है क्या। मामला किसी को पता नहीं है। हैरान है मुझे यार इस बात के ऊपर, हर आदमी एक दूसरे में टोपी डाल रहा है। कोई कह रहा है हमें नहीं पता, कोई कह रहा है मेरिट का कत्ल है, कोई बोला क्रिकेट के कत्ल हो गए, कोई बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, कोई बोला आईसीसी को बैन कर देना चाहिए, कोई ये कह रहा है T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। वो भाई पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनको सही सिद्ध कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? इन टुच्चुओं को बुलाकर तुमने पूरे पाकिस्तान को जिल्ला तामेज बना वो बात बनवा दी है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म की वजह से समझ रही है कि पाकिस्तान में टेररिज्म शायद दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम 18 साल के बाद आकर बगैर खेले वापस जा रही है। कोई तो जवाब दे यार, कोई तो जवाब दे। पाकिस्तान की रमीज राजा कह रहे हैं आईसीसी में जाके, मैं घंटा आईसीसी में कब जाके देखोगे? स्ट्रांग स्टांस लो। न्यूजीलैंड ने लिया है, अपने टुच्चे प्लेयर्स को रखकर उन्होंने ये स्टांस लिया है, तुम लो आज ही स्टांस लो। नहीं इसके पसे पड़ता कौन से आवाम